हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इमेज की साइज़ को कैसे रिसाइज किया जा सकता है, सिग्नेचर को आप कैसे रिसाइज कर सकते हैं, सिग्नेचर और इमेज के आप डीपीआई, लंबाई चौड़ाई और केबी को आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे हम फॉर्म होते हैं जो ऑनलाइन हम भरते हैं, उनमें आपको दिया जाता है कि इमेज इस साइज़ की होनी चाहिए, उसकी डीपीआई इस साइज़ की होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई जो भी है वो इसकी कैटेगरी में, यही कैटेगरी में होनी चाहिए। तब आप उसकी साइज़ को कैसे चेंज करेंगे, उसको कैसे अपलोड करेंगे, तभी वो अपलोडिंग होगा आपका। तो इन सभी की जानकारी मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, तभी आपको पूरा समझ में बैठेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नई नई वीडियो आपको तुरंत मिलती रहेंगी। दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि हम जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं उसको जो इमेज अपलोड करते हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से वहाँ पे निर्देश होता है कि 0 KB से 50 KB के बीच में होंगी या 0 KB से 20 KB के बीच में होंगी। जो भी आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से आपको इमेज की साइज़ को, केबी को सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहला ऑप्शन है आपको डीपीआई। डीपीआई दोस्तों, आप जब स्कैन करते हैं स्कैनर से, तभी आपको डीपीआई सेट करनी होती है। जो स्कैनर है उसके सॉफ्टवेयर में आपको जो डीपीआई मांगता है, 200 DPI या 300 DPI, आप वहीं से ही आप डीपीआई सेलेक्ट कर लीजिए, या उसको आप कंप्यूटर में ऑनलाइन जाके भी आप उसको डीपीआई सेट कर सकते हैं। उसके बाद की प्रोसेसिंग है कि आप इमेज को आप कैसे रिसाइज करेंगे। तो उसके लिए आपको कंप्यूटर में पेंट का ऑप्शन दिखाई देता है, वो पेंट का ऑप्शन आप खोल लीजिए। उसके बाद आपको फाइल चूज़ कीजिए, जो भी आप फाइल इमेज को चूज़ करेंगे, इस जिसकी आपको एडिटिंग करनी है, केबी की एडिटिंग करनी है, जो लंबाई चौड़ाई आपको एडिटिंग करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको रीसाइज का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। वहाँ पे आपको पिक्सल सेलेक्ट करना होगा, जो आपको यहाँ पे चिन्ह दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, राइट वाले चिन्ह को आपको हटा देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई को आपको सेलेक्ट करना होगा, जो आपके फॉर्म में मांगी जा रही है फ़ोटो की साइज़ को, उसी प्रकार आप यहाँ पे डाल दीजिए। मैं यहाँ पे 213 213 कर देता हूँ आपको दिखाने के हिसाब से। तो ये इसकी साइज रिसाइज हो चुकी है। जो भी साइज़ आपके फॉर्म में मांगी जा रही है उसके हिसाब से आप यहाँ पे साइज़ डाल के उसको एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एज वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको यहाँ पे सेव कर देना है। जो भी आप डेस्कटॉप या किसी भी फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पे सेव कर दीजिए और सेव वाले टैब पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको मैं वो इमेज दिखा देता हूँ जो मैंने सेव की है, उसकी साइज़ चेंज हुई है नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाइए और यहाँ पे डिटेल में देख लीजिए आपकी केबी आपकी कम हो चुकी है, 24 KB हो चुकी है, और जो डीपीआई है वो आपने प्रिंटर में सेलेक्ट की थी वही आपकी डीपीआई है। इस प्रकार आप फॉरम में जो भी साइज़ मांगते हैं उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। डीपीआई को आप डायरेक्ट आपके प्रिंटर से ही स्कैन करते वक्त ही आपको सेट करनी होंगी, और उसके बाद साइज़ को और केबी को आप यहाँ पे पेंट में जाके रिसाइज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिग्नेचर की। सिग्नेचर में भी आपको सेम प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। आप सिग्नेचर को ले लीजिए और उसको ओपन कर लीजिए। उसके बाद इमेज वाले ऑप्शन पे जाके आप रिसाइज वाले टैब पे क्लिक करके आप इसको ओपन कर लीजिए और पिक्सल पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मेंटेन का चिन्ह दिखाई दे रहा है, यहाँ पे उसको राइट को चिन्ह को हटा देना है, और आप यहाँ पे लंबाई चौड़ाई आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो जिस प्रकार आपके फॉर्म में मांगी जा रही है, उसी को भी इसी प्रकार सेट करके क्लिक कर दीजिए, और जो सेव वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें जाके आप उसको सेव कर दीजिए। सेव एज पर क्लिक करके आप सिग्नेचर को आप सेव कर दीजिए। इस सिग्नेचर को मैं सेव कर देता हूँ, जो भी आप टाइटल डाल के सेव कर दीजिए, और फिर आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसकी साइज़ चेंज हुई है या नहीं चेंज हुई है। अब यहाँ पे ये सिग्नेचर मेरा आ चुका है, और इस सिग्नेचर को मैं यहाँ पे नीचे नीचे प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करके आपको यह दिखा देता हूँ कि ये देखिए इसकी साइज़ कम हो चुकी है, और ये डीपीआई भी 140 पिक्सल पर है, और जो साइज़ सिलेक्ट की थी वो 140 और 110 के बीच में सिलेक्ट है। इस प्रकार दोस्तों आप इजीली अपने कंप्यूटर से जो भी फॉर्म भरते हैं उसकी इमेज की साइज़ रिसाइज, केबी, डीपीआई और सिग्नेचर की साइज़, डीपीआई और लंबाई चौड़ाई जो है आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार चेंज करके आप अपने फॉर्म को सक्सेसफुली अपलोड कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई होंगी तो लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं दिन प्रतिदिन टेक्निकल से जुड़ी नई नई वीडियो लाते रहता हूँ। गुड डे, टेक केयर।